दोस्तों, मैं केदारनाथ में हूँ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है उत्तराखंड में, और इस ज्योतिर्लिंग के कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हजारों लाखों रुपए खर्च करके लोग जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं इस तरह का मौसम, इस तरह के पहाड़ देखने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, जो खूबसूरती का एहसास मुझे केदारनाथ में आकर हुआ है, शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है केदारनाथ जी का मंदिर, ये मंदिर की बैक साइड है, और इसके ठीक आगे जो ये बहुत बड़ा सा एक पत्थर देख रहे हैं आप, इस पत्थर का नाम है भीमशिला। इस पत्थर का नाम भीमशिला इसलिए रखा गया क्योंकि जब सन 2013 में 16 जून को आपदा आई थी, बादल फटा था और पानी मलबे के साथ जब केदार घाटी में उतरा तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पत्थर की वजह से, इस भीमशिला की वजह से हमारे भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित है, उसे आंच तक नहीं आई, और लोग इसकी भी उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की करते हैं। आपको मैं पीछे से दिखाना चाहता हूं कि आखिर वो आपदा कहां से आई थी। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये कुछ निशान है, आज भी उस बाढ़ के निशान है, उस आपदा के निशान है। यहां से पानी बहता हुआ आया था सैलाब, जिसमें हजारों टन के पत्थर थे, मलबा था, और वो पूरी केदार घाटी में छा गया था। अद्भुत बात है कि हमारे भोलेनाथ के मंदिर को आंच तक नहीं आई, भीमशिला ने हमारे मंदिर को सुरक्षित रखा। मुझे पहली बार मौका मिल रहा है आज यहाँ दर्शन करने का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भोलेनाथ का, मुझे यहाँ बुलाया उन्होंने। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में एक बार कभी भी अगर आपको मौका मिले ज़रूर यहाँ आइए। हो सकता है आपको यहाँ उतनी सुविधाएँ ना मिलें, आराम ना मिले, लेकिन जो मंदिर में आकर आपको सुख मिलेगा वो सब सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। यकीन मानिए, एक बार जिंदगी में जरूर आने की कोशिश करिए। हर हर महादेव।